प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के बारे में अत्यंत रहस्यमयी बात लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप में से अधिकांश लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। आप भगवान भोलेनाथ पर, भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं कि शिव जी आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का गलत नहीं होने देंगे। लेकिन कौन है शिव जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी पूजन करते हैं और जिनके ऊपर आपको अटूट विश्वास भी है? आइए हम और आप मिलकर इस बात का पड़ताल करते हैं कि कौन है शिव। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शिव का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और व का अर्थ देने वाला अर्थात दाता। क्या है शिवलिंग? शिवलिंग को लेकर के भी अनेक भ्रम हैं। अब यहां पर हम आपको बता दें कि शिव की दो काया है, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर अत्यधिक भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए प्रयोग होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव अर्थात परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव, शंकर, महादेव का अर्थ। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। महेश भी शंकर जी का ही नाम है। सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्मा जी की रचना, सृष्टि के पालन हेतु विष्णु जी की रचना और सृष्टि के विनाश के लिए महेश अर्थात शंकर जी की रचना की गई। इस तरह से शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवों के देव हैं। आज की यह जानकारी यहीं पर पूर्ण होती है। यदि आज की जानकारी, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख करके बताइएगा। यदि आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि शिव, शंकर और महादेव का अलग अलग व्याख्यान लोगों को समझ में आ जाए कि शिव, शंकर, महादेव कौन हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।